दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे टेनिस रिगार्डिंग पोस्टमैन एनालिसिस एक और वीडियो लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार जो वीडियो लेके आया हूँ वो अर्ली ही मैच ही इस ईयर का बढ़िया मैच बन सकता है, और वो जो मैच हुआ काफी बढ़िया मैच हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मैट्यू बेरेटिनी ATP रैंकिंग 14 वर्सेस ATP रैंकिंग जिनकी 60+ है वो है एंडी मरे। एंडी मरे ने शानदार प्रदर्शन बताया और बताया कि भाई वो अभी भी यंग नहीं है, मानते हैं, बट वो भाई ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और उनमें अब भी जज्बा है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं और बढ़िया प्रदर्शन करके जीत सकते हैं। उसी रिगार्डिंग वीडियो ले गया हूँ, एंडी मरे ने क्या प्रदर्शन किया, क्या खास प्रदर्शन किया, मैच पॉइंट सेव किया, उससे बाद टाई ब्रेकर में हराया। जब पहले दो सेट जीत गए थे लग रहा था कि एंडी मरे आसानी से जीतेंगे, फिर बेरेटिनी ने अच्छी कमबैक किया। उसके बाद टाई ब्रेकर जब 4 जीता तो लग रहा था कि भाई अब एंडी मरे हार जाएंगे। बेरेटिनी के पास मैच पॉइंट भी आया बट जो टाई ब्रेकर में खेला लास्ट के बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्टमैन एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से यही बता दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल का आइकन तो क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपके पास यूं करते पहुँच जाए। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्टमैन एनालिसिस के फर्स्ट सेट की ओर। दोस्तों पहले सेट की शुरुआत है, तो पहले सेट की शुरुआत मरे ने बहुत बढ़िया थी। अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक भी की मैट्यू बेरेटिनी की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड फिर से रखा, 3-0 से आगे हो गए। उसके बाद 1-3 हुआ, उसके बाद 4-1 हुआ, फिर 2-4 हुआ, 5-2 हुआ और 3-5 हुआ, और इन दैंड सर्विंग फॉर द सेट करे थे आसानी से। 6-3 से पहला सेट जीता। सेकेंड सेट की बात करें तो सेकेंड सेट में आते ही मैट्यू बेरेटिनी की इस बार भी सर्विस गेम तोड़ दी, और फर्क ये था कि मैट्यू बेरेटिनी इस बार पहली सर्विस गेम पर आते हैं। फिर एंडी मरे ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 2-1 किया, फिर बैटिंग ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखने लग पड़े। इसी तरह चलता रहा और हो गया स्कोर 3-5 और बेरेटिनी सर्विस गेम करवा रहे थे टू स्टे इन द सेट। इस बार फिर से एंडी मरे ने सर्विस गेम ब्रेक की, 2 बार सर्विस गेम ब्रेक किया, फर्स्ट में और एट लास्ट में, और 6-3 से ये वाला सेट भी जीता और 2 सेट आगे हो गया। उन्हें 8 सेट जीतना था नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करने के लिए और वो वाला सेट अभी नहीं जीते, थोड़ी बाद में जीते। थर्ड सेट की बात करूँ तो थर्ड सेट में लगा था कि बेरेटिनी कुछ कमबैक करेंगे या फाइट देंगे, और फाइट फाइनली देना शुरू कर दी। देखा जाए बेरेटिनी ने मैच अच्छा खेला बट वो वही है कि ब्रेक पॉइंट्स अच्छे तरह संभाल नहीं पाया, और उस बार 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, उसके बाद मैट्यू बेरेटिनी ने सर्विस गेम फाइनली एंडी मरे की ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और थर्ड सेट जो जीता है वो 6-4 से जीता, बढ़िया प्रदर्शन किया। फोर्थ सेट की बात करें तो इस बार बेरेटिनी भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे जा रहे थे, एंडी मरे भी रखे जा रहे थे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 6-6, 6-6 और यार टाई ब्रेकर, इस बार टाई ब्रेकर में बढ़िया प्रदर्शन किया मैट्यू बेरेटिनी ने। देखा जाए एंडी मरे ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया, काफ़ी क्लोज रहा बट जो लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बढ़िया प्रदर्शन किया मैट्यू बेरेटिनी ने। काफ़ी बार सेट पॉइंट आया मैट्यू बेरेटिनी के पास, 2 बार आए इनफैक्ट, और दोनों बार एंडी मरे ने सेव किया, बट जब तीसरा सेट पॉइंट आया वो सेव करने में कामयाब नहीं रही एंडी मरे, और मैट्यू बेरेटिनी ने सेट जीते और मैच में बराबरी ले आए। 2 सेट एंडी मरे जीते हैं, 2 सेट जीते हैं मैट्यू बेरेटिनी। अब जो ये जीतेगा सेट वो पहुँच जाएगा नेक्स्ट राउंड में, जीते हैं सेट एंडी मरे। एंडी मरे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बेरेटिनी भी अब धीरे धीरे अच्छी लैब पकड़ ली थी, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8 भी सर्विस गेम ब्रेक नहीं हुई, और इस बार भी लगातार टाई ब्रेकर, या पिछला सेट तो हाँ वो भी टाई ब्रेकर, या पिछला सेट जीते मैट्यू बेरेटिनी और ये वाला सेट भी टाई ब्रेकर दिया। टाई ब्रेकर में ग्रैंड स्लैम में रूल है कि अगर टाई ब्रेकर तक ग्रैंड स्लैम होता तो उसमें जो होगा लास्ट वाला होगा, खासकर लास्ट वाला सेट, डिसाइडर सेट, 5th सेट, वो उसमें आपको 10 पॉइंट्स लेने और 10 पॉइंट्स तक टाई ब्रेकर जाएगा। और इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया एंडी मरे ने, पहले वो 9 सीट से आए थे और फाइनली उन्होंने जब उनके पास 3 मैच पॉइंट थे और पहले ही मैच पॉइंट को कन्वर्ट कर लिया, 10 सीट से टाई ब्रेकर जीता और सेट जीता 7-6 से, और मैच जीता 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 और 7-6 से थर्ड और फोर्थ सेट हारे मैट्यू बेरेटिनी से। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लूँ तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में मैट्यू बेरेटिनी का पलड़ा अभी भी भारी है बट क्लोज कर दिया एंडी मरे ने थोड़ा ज़्यादा, सिर्फ एक ही जीत दूर है और दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा। मैट्यू बेरेटिनी 3 जीते हैं, एंडी मरे 2 जीते, और एंडी मरे ने बदला भी ले लिया अपना US Open 2022 था, क्योंकि US Open 2022 में मैट्यू बेरेटिनी के खिलाफ होता जिसमें मैट्यू बेरेटिनी ने 3-1 से गेम जीता था, मैच जीता था, और इस बार जीता है 3-2 से एंडी मरे ने। इस मैच से स्टैट्स क्यों नज़र डाले तो सबसे पहले तो टाइम के ऊपर डाल देते हैं, लगभग 5 घंटे मैच चला, क्या प्रदर्शन हुआ दोनों खिलाड़ियों द्वारा, लाजवाब किया। एंडी मरे अभी इंजरी से आ रहे थे बट उनका प्रदर्शन धीरे धीरे निखरता जा रहा है, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही प्रदर्शन है क्योंकि हमें और ज़्यादा कम्पिटिटिव टेनिस देखने में मज़ा आने लग पड़ा है, और मज़ा ही आता है अल्लाह से देखने में ज़्यादा। और दूसरी ओर देखा जाए इस मैच के स्टैट्स को, 30+ एसेज लिए हैं
बैटिंग है फिर भी हारे हैं। मार कहाँ खाई है उन्होंने, मेन जो मार खाई है वो खाई है उन्होंने ब्रेक पॉइंट्स में 2 out of 5, दूसरी ओर 4 out of 5, 2 बार ब्रेक पॉइंट सेव की और 3 बार सेव करने में टाइम नहीं हुए, एक फर्स्ट सेट में और 2 second set में। दूसरी ओर एंडी मरे 4 out of 5, 4 बार सेव की, 1 बार सेव करने में टाइम नहीं हुए ब्रिज सर्विस, और वो था जो ब्रेक पॉइंट हुआ था थर्ड सेट में जब मैटी बेटिंग जीते थे 6-4 से। टाई ब्रेकर दोनों 8-8 जीते तो उसमें बराबर ही प्रदर्शन रहा। मेन तो मैं बोलूँगा ब्रेक पॉइंट जो सेव हुआ है, क्योंकि 8 2 out of 5 है और 8 4 out of 5 है, दोनों ने सेम ही ब्रेक पॉइंट लाए थे। तो दोस्तों एंडी मरे चाहेंगे कि भाई अपना ऐसा रिजम कंटिन्यू रहे, और बैटी बैटिंग चाहेंगे भाई ग्रैंड स्लैम से लगातार वो बढ़िया प्रदर्शन करे, थे क्वार्टर फाइनल तक जाते थे, इस बार तो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए, तो उम्मीद करें कि बढ़िया प्रदर्शन करें और वो जो आने वाले मास्टर्स हैं और ग्रैंड स्लैम्स हैं उसमें बढ़िया प्रदर्शन करके क्वार्टर फाइनल पहले फर्स्ट राउंड भी जीते जीते हो क्वार्टर फाइनल से भी आगे जाए। अब अपनी राय देते रहें आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इनके मैचेस में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।